सबसे पहले तो नमस्कार विशाल जी, मैं गणेश कांदू स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। और थैंक यू। मैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप मनीषा का गेम आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आप मनीषा को बहुत ज्यादा आप पसंद कर रहे हैं उनके गेम को, तो उनके मनीषा के गेम के ऊपर आपके क्या व्यूज है, कैसा लग मनीषा रहा है बहुत मनीषा? अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, और हम लोग तो सपोर्टर हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, तो डेफिनेटली सपोर्ट ही करेंगे। बट जेन्युइनली वो लड़की अच्छा खेल रही है, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी जानने वाली है, अच्छा खेल रही है इसलिए कर रहे और एक चीज थी कि देखो, मनीषा को लेकर इस समय बहुत लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनपे। हम सबने डे वन से देखा है कि मनीषा जो है काफी ज्यादा चुलबुली है, और उनको पसंद है उस तरीके से रहना, उसका नेचर है वो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है बिग बॉस द्वारा। इस पर आपकी क्या राय है? बिग बॉस द्वारा नहीं की जा रही। देखिए, अभी डिपेंड करते हैं, लोगों के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। अभी मैं मनीषा को पहले से जानता हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में भी जानता हूँ, और बहुत सारे लोग मनीषा को पर्सनल लाइफ में नहीं जानते हैं, वो इसी बिग बॉस ओटीटी में उसको देख रहे हैं, फिर भी वो उसको पसंद कर रहे हैं। बट इट इट डिपेंड्स कि कौन किसका फैन है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। अभी कोई दूसरे लोग दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सामने वाले को सपोर्ट नहीं करते, उनको पसंद नहीं आता है। बट मनीषा वो जेन्युइन है, वो रियल है, वो वैसा, वो अच्छा खेल रही है, इसलिए लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक मुझे पता है, गिने चुने अगर 100 में से 10 लोग नहीं कर रहे होंगे, बट 90 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग फोकस करेंगे 90 पे, ना कि 10 पे जो नहीं कर रहे हैं। है। और अब मतलब पिछले कुछ एपिसोड्स देखिए, वीकेंड का वार देखिए, ऐसा लग रहा है कि सलमान खान का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मनीषा को लेके शिफ्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या गलतियां हो रही हैं? नहीं, अभी देखो, आप जब घर के छोटे गलत, अभी मनीषा रानी कोई ऐसी तो है नहीं कि वो गलत, घर इंसान ही है, गलती सबसे होती है। वो एंटरटेन करने के चक्कर में थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाती है। वो सलमान सर जो बोलते हैं, अभी वो घर के अगर बड़े किसी बच्चे को गलती करने पर डांटते हैं, तो उसको गलत नहीं बोला जाता है, वो सही करने के लिए डांटते हैं, ताकि, और ये हमेशा हुआ है कि सलमान सर जब भी किसी भी एपिसोड में किसी को बोले, वो अगले एपिसोड में और बढ़ के दिखाए। सही तो बात है। शायद उनको बोला जा रहा है क्योंकि वो शो में दिख रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, सलमान सर उनको पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि बोल करके उनको सुधार दें, कोई गलती है तो वो गलती दोबारा ना करें मनीषा रानी, इसलिए बोला जाता है। नहीं तो बहुत लोग इस चीज को नेगेटिव में ले रहे हैं कि सलमान खान ने मनीषा रानी को ऐसा बोला, वो उसके अगेंस्ट चले गए। ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने कल का एपिसोड में आज देखा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो उसको एक अलग तरीके में डांटे हैं, क्योंकि एल्विश, मैं एल्विश का बहुत बहुत मतलब एल्विश मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है शो में। हाँ तो एल्विश ने एक चीज को एक बोल दी, वो अगेंस्ट बोला, किसी एक लड़की को नहीं बोलना चाहिए, सही बात है। तो सर ने उसको बोला, सलमान सर ने बोला कि आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, आपको उठ के चले जाना चाहिए था वहां से, अगर आप बैठे हो तो आप उसको समझाओ कि ऐसा मत बोलो, हंसना नहीं चाहिए था, ये मैं भी मानता हूँ। तो इसमें कोई गलत नहीं बोला सलमान सर ने, और ना ही मेकर्स ने कुछ ऐसा गलत दिखाया। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड मेकर्स मनीषा को नेगेटिव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग, अभी मैंने तो देखा, मैं तो मनीषा के नेगेटिव नहीं हुई मेरी मेरी नजर में मनीषा, बट लोगों की नजर में हो जाएगी। वो लोग जो अगेंस्ट है ना, जो नेगेटिव सोचते हैं, वो उनके ही हाँ नजर में होगी। अभी जो बेबिका के फैंस हैं, जो बेबिका को सपोर्ट कर, मुझे नहीं लगता है बेबिका का कोई फैन होगा पहली बात तो, लेकिन जो भी होंगे सपोर्टर्स, जो अननोन फ्रेंड्स, वो हाँ लोग उसको गलत बोलेंगे बस। बाकी मनीषा को मुझे ही लगता है, एक चीज मुझे थोड़ा सा हार्श लगा सलमान सर का, वैसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनको अपना आइडल मानती है, बहुत ज्यादा मतलब उनको वो करती है। उन्होंने जब वो उठी वहां से ना, उसको इरिटेट। एल्विस को चुप कराने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि मनीषा तुम जाकर बैठो, डोंट इरिटेट। तो हाँ वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि नहीं, उसको भी बुरा लगा होगा, वो वहां पे शो नहीं कर पाई, बट मुझे लगा कि ये चीज नहीं, वो उसका कोई भी फ्रेंड, मैं भी रहूंगा, कोई भी रहेगा, किसी का भी कोई फ्रेंड रोता है तो वो उठ के जाता है चुप कराने, तो वो नहीं बोलना चाहिए था। बाकी मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लगा कि सलमान सर ने कुछ नेगेटिव बोला है उसके लिए या कुछ भी, उसको समझाया है, इट्स गुड कि वो समझा रहे हैं। सलमान खान का किसी का समझाना ही बहुत बड़ी बात है। आप शो में भाई बैठे हुए, आपको समझाया नहीं जा रहा है, आपको डांटा जा रहा है, इट मीन्स कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और एक एक सवाल मेरा ये भी था कि मनीषा का जो फ्लर्टी नेचर है, मतलब उसको तो लोग पसंद करते हैं क्योंकि भाई वैसा ही कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में दिखता है और लोगों को पसंद आता है, लेकिन वो फ्लर्टी नेचर को कुछ बिग बॉस द्वारा, मतलब जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके द्वारा फेक बोला जा रहा है या हाँ, आग लगाना कहा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है?
अभी थोड़ी देर पहले मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, किसी मेरी एक फ्रेंड ने इंडस्ट्री की है, वो हाँ प्रोड्यूसर है, उन्होंने कुछ बोला उसके लिए कि मनीषा का अभी ज्यादा हो रहा है वो, ऐसे गाल वाल टच करना ये वो। मैंने बोला कि आप नहीं जानते हो उसको, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अब वो हंसाने के लिए कर रही है, जिसको आप लोग वो फेक बोल रहे हो, जिसको आप लोग बोल रहे हो ना कि वो छेड़खानी सबके साथ, सारे लड़कों के साथ सेम चीज कर रही है, उसको एंटरटेनमेंट बोला जाता है हमारे यहाँ। वो हंसा रही है, एटलीस्ट मैं तो हंस रहा हूँ। मैंने देखा वो एपिसोड जिसमें वो एल्विश का गाल ऐसे करके टच की, तो वो पब्लिक कौन ऐसा इंसान होगा जो उसको देख करके मनीषा को गाली दे रहा होगा या फिर मनीषा को अगेंस्ट, मनीषा के अगेंस्ट बोल रहा होगा? कोई नहीं होगा। मुझे तो हंसी आया, और मैं भी एक नॉर्मल व्यूअर्स की तरह देख रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल पब्लिक की तरह देख रहा हूँ, तो मुझे तो हंसी आई। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फेक है या वो ड्रामे कर रही है। अभी लोगों पे डिपेंड करता है, अभी आप देखो फेक कौन है और रियल कौन है वो समझ में आ रहा है। पूजा मैम को दिया गया था एक टास्क कि आप बताओ कि हीरोइन कौन है और जनता कौन है, वो हाँ पासिंग शॉट कौन दे रहा है? पासिंग शॉट मनीषा दे रही है, ये मतलब अब तो मैंने वो तो हम सबने पूछ लिया था दिखा। भाई, चीज को हम हाँ सभी ने क्या, पूछ लिया था कि कैसे ही पासिंग शॉट है, लाइक जिसका ओपिनियन घर के अंदर है आप उसको पासिंग शॉट दे रहे हो तो कैसे। एग्जैक्टली जो लड़की स्टार्टिंग से बोलते आ रही है, शुरू से वो शुरू से गेम को अच्छे से खेली है, उसको पता है कि मुझे किस तरीके से जाना है, और वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं जा रही है। वो जो है ना वो रियल में वैसी ही है, उसको अगर घर के बाहर भी ऐसे गेम देंगे ना कैमरा बंद करके, तब भी वो ऐसी रहेगी। बट लोगों को गलत लग रहा है, अभी पूजा मैम को ऐसा लगा शायद। मुझे स्टार्टिंग में पूजा भट्ट बहुत अच्छी लग रही थी, सही और बात डेफिनेटली वो इतने इतने बड़े लेवल से काम करती आई है, मैं तो बहुत बड़ा फैन था उनका, इतनी प्यारी इतनी क्यूट एक्ट्रेस। बट अब एक लेवल पे जा करके मुझे उनका गेम अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मुझे बस देखिए, मैं मनीषा मेरी फ्रेंड है, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ एल्विश और अभिषेक में से भी कोई जीतेगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी। इन तीनों को मैं टॉप थ्री में देखता हूँ, इन तीनों में से कोई भी जीत जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, बट इनके अलावा तीन में से कोई भी जीतेगा मेरा तो बिग बॉस से मन ही हट जाएगा। हाँ ये तो पूरे हिंदुस्तान की जनता बोल रही है कि भाई टॉप थ्री मनीषा एल्विश या अभिषेक ही हो और दूसरा कोई ना ये हो। कोई है ही नहीं गेम में, कौन देख रहा है? अभी आप बताओ, पूजा भट्ट मैम स्टार्टिंग से अच्छा खेल रही थी, अभी आकर के एकदम ऑपोजिट चली गई है। आप अगर आप एक बड़े, आप किसी चीज को, आपको लोग उस तरीके से देख रहे हैं कि हर चीज में मेंटोर मानना, इज्जत देना, तो आप फिर बायस मत रहो, आप एक साइड रहो। वो बेबिका की हर एक गलती पे सपोर्ट करती है, सही बात है। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे। अभी बेबिका जितनी बदतमीजी से बात करती है, सच बता रहा हूँ, हम लोग घर के बाहर हैं तो हमें लग रहा है कि एल्विश ने गलत किया, बट जिस बदतमीजी से वो बात करती है ना, अगर एल्विश की जगह मैं भी होता तो मेरे मुंह से भी कुछ कोई चीजें निकल जाता निकलती है हैं। वो वो हो उस जाता टाइम पे निकल जाता है, बाद में रियलाइज होता है वो। मैं अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उसको, वो गलत है, एल्विश को नहीं बोलना चाहिए था वो चीज, लेकिन वो जिस तरीके की बदतमीज लड़की है, वो जो जो चीजें बोलती है उसकी चीजों पे ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है, बट अगर कोई सामने वाला कर देगा तो तुरंत रिएक्शन आता है। है, रिएक्शन आता है। और एक एक सवाल मेरा ये भी था कि मनीषा जो है, मनीषा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो घर नहीं जाएगी, तो उन्होंने बोला था कि मैंने अपना बैग भी पैक नहीं किया है, और उस कॉन्फिडेंस को भी ये कहा गया कि कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, कितनी घमंडी है कि इसको लग रहा है कि कोई दूसरा जाएगा और इसको भरोसा है कि वो यहीं रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो लोग जो बोल रहे हैं ना, उनको पता है, उनका दिल जानता है कि मनीषा नहीं जा रही है, उनका दिल जानता है कि इस बार नॉमिनेशन, इस बार जो भी हुआ, अभी कौन इविक्ट होगा, ये सबका दिल सबको पता है, ठीक है? सही उनका बात। दिल जानता है, उनके लिए वो स्ट्रांग, वो कॉम्पिटिटर है, इसलिए उनको लगता है कि वो कितना भी टारगेट कर लें, ये अभी वो तो घर से बाहर भेज नहीं सकते हैं उनको, जो अंदर कंटेस्टेंट है। तो वो लोग सोचते हैं कि अभी ऐसा कुछ बोला जाए ताकि पब्लिक के सामने वो नेगेटिव दिखे, बट उसको पता नहीं है कि बाहर पब्लिक कितना सपोर्ट कर रही है। मैं बैठा रहता हूँ तो मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, चेक करता हूँ कि कौन मनीषा के अगेंस्ट है, कौन सपोर्ट में है। तो अभी जिया ने एक गलती करी, मनीषा के लिए कुछ भी बोला, एल्विश के लिए कुछ भी बोला, उनके फैंस जाके उनके इंस्टाग्राम पे पूरा भरमार लगा दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्यार। मैं इस प्यार चीज के अगेंस्ट हूँ कि किसी भी लड़की को, किसी भी इंसान को कमेंट में जाके गाली वाली ना दें, बट एक ये प्यार दिखता है, सपोर्ट दिखता है। हम तो बिग बॉस के, अगर कोई बिग बॉस के अंदर जा रहा तो इसलिए जा रहे ना कि हमें बाहर प्यार मिले, मैं अंदर फेमस हो जाऊं और बाहर आकर के मेरी इमेज क्लियर दिखे, बट बाकी लोगों के लिए मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। ये तीन लोग के लिए मैं जानता हूँ कि ये लोग इसीलिए गए हैं, बट बाकी के तीन मुझे पता नहीं क्यों गए। जिया तो इतनी ज्यादा फेक। अभी मैं आपको वो बताऊँ, आप वो जो वाला वो वाला जो इंसिडेंट हुआ है, जो पानी एल्विश वाला ने बोला है, नहीं एलविश नहीं ने वो बोला। हाँ हाँ दूसरा, हाँ जो उसके आने एल्विश का ने बोला भी जिया भी थी। उसमें जिया भी खड़ी थी,
जिया भी थी, ठीक आधे है, कन्वर्सेशन में आई थी वो। सलमान सर को एक चीज और ऐड करना चाहिए था, जब सबको डांटे तो जिया तुम भी तो खड़ी थी वहां पे, तुमने क्यों नहीं बोला एक बार भी वहां पे, बात तुमने है क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया, तुम जा करके पूजा मैम के सामने वो कन्फेस कर रही हो कि एल्विश ने ऐसा ऐसा बोला, नहीं सर, पता, ये सब जो आप कर रहे हो ये आपको वहां पे क्यों नहीं बोला आपने, तो इससे आपका नेचर दिख रहा है कि आप कितने बड़े डबल ढोलकी हो, आप इधर भी अच्छे रहना चाहते हो उधर भी अच्छे रहना चाहते हो, उसको उसको लगा था कि पूजा मैम को बोल दूंगी पूजा मैम नहीं बोलेंगी, पूजा मैम ने जब बोल दिया उनको तो ये एकदम ऐसा हो ऐसी हो गई थी, देखा था जब ही एल्विश ने क्लियर किया उससे, कन्फ्रंट किया कि आपने ऐसा बोल दिया मेरे लिए, तो वो चुप हो गई, तो बोली कि नहीं मुझे गलत लगा, तो एल्विश ने बोला कि आपको गलत लगा तो आप मेरे सामने बोलते, आप पीठ पीछे क्यों बोले, तो ये वो डबल डबल ढोलकी है, बेबिका को तो मैं कहीं काउंट ही नहीं करता, अब अविनाश मुझे स्टार्टिंग से पसंद नहीं आ रहा था लेकिन अभी बेचारा शांत हो गया एकदम, तो मैं उसको काउंट ही नहीं कर रहा हूं अभी, पूजा भट्ट जिया और बेबिका इन तीनों को तो मैं सच में अब मैं तो टॉप 3 टॉप 5 टाइम ही नहीं देखता। और बेबिका के ऊपर इस समय जनता का तो बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा हुआ है। लेकिन एक इंसिडेंट में आपसे जानना चाहूंगा कि उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी मनीषा के फ्रेंड हैं, उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ जी तो बेबिका ने कहीं ना कहीं टास्क की आड़ में बहुत सारी चीजें मनीषा को बोली, जैसे एक स्टेटमेंट था कि मर्दों को देखकर फिसल जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने एक वीडियो ही बनाया था उसके ऊपर अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे भी डाला हूँ मैं, कि जो बदतमीजी वाली बातें वो बोल रही है ना, वो ये सब चीजें वो बाहर आके जब बोलेंगी ना तो उनको उस टाइम ही तुरंत रिप्लाई बैक मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन देखिए अभी कोई सबसे बड़ी बात है कि आप लड़की हो, अगर आप कोई लड़का बोलेगा, अगर यही बात कोई लड़का बोला होता अभी ना तो भाई बवाल हो जाता मैं बता रहा हूँ बवाल हो जाता, नेक्स्ट एपिसोड में वीकेंड के वॉर में सिर्फ यही टॉपिक निकलता कि कैसे बोल दिया लड़के ने, कैसे किसी लड़की को आप किसी लड़की के कैरेक्टर पे जा सकते हो, बट नहीं वो लड़की ने बोला। बट मैं ये मानता हूं ना कि आप अगर इतनी बड़ी बड़े इंसान की बेटी हो, आप कितने बड़े फैमिली से आ रहे हो, आप उस चीज को रिप्रेजेंट करो, आपको मुंह अगर ये खोल रहे हो ना आप अपना गटर, तो उसको सोच के समझ के खोलना चाहिए, अगर अच्छी चीज के लिए खोलोगे तो मुंह बोला जाएगा और गलत चीज बोलोगे तो गटर बोला जाएगा, तो वो अभी शो में कुछ नहीं हो रहा उनका, उनका पता क्या होता है, आप उनको बोल दो कि बेबिका आपने गलत बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ABCDEFGH, वो एक टोन में चलते जाएगी उसको किसी का नहीं सुनना होता है, तो वो इरिटेटिंग है बहुत ज्यादा। सही बात है भाई। ये तो हम सब मान रहे हैं कि अभी उनका प्लॉट थोड़ा सा कम होता जा रहा है, वो खाली चिल्लाने पे ज्यादा फोकस कर रही है इस समय। वो चिल्लाने में फोकस कर रही है और अभी तक अभी वो नहीं हुई ना नॉमिनेट, नॉमिनेट हुई नहीं ना, जिस दिन हो जाएगी उसी दिन बाहर निकलेगी, और एल्विश और अभिषेक के गेम पे आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है दोनों का बहुत गेम? सही, वो लोग तो बहुत मतलब मैं सीजन 9 से फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस, मैं पहली बार ऐसी बॉन्डिंग देख रहा हूँ, कुछ भी हो जा रहा है ये लोग अलग नहीं हो रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं ऊपर नीचे लेकिन इन लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई, ये लोग अभी तक साथ बने हुए, मैं प्रे करता हूँ कि इनकी दोस्ती ऐसी बनी रहे तीनों की, सही बात है भाई, क्योंकि बहुत और ज्यादा कोशिश की जा रही है, एल्विश की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, बहुत मैं बहुत उनके तगड़ी, फैन फॉलोइंग का फैन हूँ, वो बंदा बहुत। इंस्टाग्राम पे उसका एक पोस्ट आता है और 7 से 10 मिनट के अंदर 15,000 कमेंट आ जाते हैं, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी या कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट आया था बिग बॉस में जिसकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, इतनी तगड़ी, किसी किसी सेलिब्रिटी कोई सेलिब्रिटी भी पोस्ट डालता है ना, किसी का भी नाम उठा लो आप किसी का भी, तब भी उसके पोस्ट में इतना फास्ट कमेंट नहीं आता है जितना इसके पे आ जाता है, तभी तो भाई कह रहे हैं वो सिस्टम क्या हैंग है। कर हाँ दिया। एक्चुअली सिस्टम हैंग कर दिया, जब मैं तो स्टार्टिंग से सोचा था मनीषा जीते मनीषा जीते, अभी मैं बहुत डाउट में हूँ क्योंकि जितना सामने से प्यार देख रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा है, बट स्टिल मैं हम लोग अपने साइड से श्योर हैं कि मनीषा को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यूपी और बिहार से बड़ा सेक्टर कोई भी सेक्टर नहीं है, अगर ये दोनों मिल जाए तो मैं तो अभी भी यही बोलूंगा यूपी बिहार वालों से, फाड़ देना आग लगा देना, बिना जिताए बाहर नहीं निकालना मनीषा को। और मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पूजा भट्ट की बात चली थी, तो यही पूजा भट्ट थी जो मनीषा के लिए लड़ पड़ी थी एक बार डिक्शन वाली बात पे, और आज यही पूजा भट्ट है जो मनीषा को फेक कह रही है। कल के एपिसोड में पूजा भट्ट ने मनीषा के बारे में अभिषेक को ये कहा कि मनीषा को थोड़ा सा समझाओ, अब वो जो आग लगा रही है उसके साथ रहने में भी घिन आती है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ लास्ट में बोला ना सलमान सर के जाने के बाद, हाँ जी हाँ जी मैंने सुना, जब भी अभिषेक अभी नहीं भी आया था उसके पहले भी बैठ करके वो जिया को बोलती, देखो वो अभी भी बैठ के वहां पे वही कर रही है, हाँ लड़की है, इसी की वजह से यही कर रही हुआ, है, तो सारी बातें थी। अभी देखो ये एक तरीका होता है अभी ना, अब आप इतने बड़े एक्ट्रेस हो, आप इतने बड़े लेवल पे आकर के शो के अंदर बैठे हुए हो, लोग आपको इज्जत दे रहे हैं,
आपको इस मोमेंट पे जा करके चीजें ना लोगों के सामने बैठा के क्लियर करवा देना चाहिए था, तो आप बहुत बड़े बन जाते हैं यहाँ पे। बट ये वहां पर बैठ के बिचिंग कर रही है जो उनसे हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो शायद मे भी उनका वो नेचर अभी धीरे धीरे रियल नेचर सामने आ रहा है। बट हम जहां तक उनको देखते थे, जहां तक उनको मान रहते हैं हर चीज में, वो उस चीज से उस पर पूरा पानी डाल दिए हैं। तो मैं तो उनको बिल्कुल भी अभी से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैं हर जगह बोलता था इंटरव्यू में भी कि मुझे ये लोग अच्छे लग रहे हैं, अभी मैं उनको एकदम हटा दिया हूँ। क्योंकि वो उनका कोई भी एक्टिविटी, अभी जो कल सलमान सर चले गए जाने के बाद, इन्होंने जो कॉन्वर्सेशन किया है ना बैठ के जियो और बेविका के साथ, फिर अभिषेक के आने के बाद, उसमें तो मैं देख रहा हूँ पब्लिक जो बाहर से देख रही होगी वो भी देख रही होगी कि ये कितना गलत जा रही है अभी। और एक चीज ये भी थी कि मनीषा को बार बार ये चीज उनके कान में डाली जा रही है कि आप अभिषेक को चाबी भरते हो, अभिषेक को अग्रेसिव करते हो, क्यों आप क्यों अभिषेक चाबी को एग्जैक्टली करते हो। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि वो लड़की उनकी उनकी जो दोस्ती है ना, पहली बात तो ये लोग इनको रास नहीं आ रही है कि ये इतनी अच्छी दोस्ती चल कैसी रही है। ठीक है, अगर वो लड़की शो चला रही होती तो ये ग्रुप चला रही होती, क्या कहते हैं जो चार लोग का ग्रुप बोलती है वो चला रही है, वो अगर वो ग्रुप चला रही होती तो हर चीज में वो ऊपर होती ना। आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मनीषा का फैन हूँ, फ्रेंड हूँ, फ्रेंड होने के बाद भी मुझे ये पता है कि अभिषेक और एलविश ही ऊपर हैं। सही तो बात है, ये आपको है। ये मत बोलो, कोई ये बोलेगा कि अभिषेक चला रहा है वो ग्रुप, मैं मान लूंगा। कोई ये बोलेगा एलविश चला रहा है, मैं मान लूंगा। मनीषा वो इस पूरे घर को एंटरटेन कर रही है, मनीषा इन सबका जो जो लड़ते हैं ना जो ये लोग हर चीज में, उस चीज को सपोर्ट करके खत्म करवाती है साइड में ले जाकर के, भाई तू खत्म कर ले जाने दे। एलविश को भी बोला उसने, बट उसका वो तरीका है कि वो हंस के बोलती है, लेकिन और वो लोगों को लग जाता है कि वो मजे ले रही है, वो उस चीज को सपोर्ट कर रही है और बढ़ावा दे रही है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि वो किसी ग्रुप को चला रही है। वो चारों लोग अपने में, आशिका को मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, अच्छा खेल रही है वो भी, लेकिन इन तीनों में, मनीषा, अभिषेक और एल्विश में, ये तीनों अपने आप में बेस्ट हैं, ये तीनों अपने आप में सुपीरियर हैं, इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आज मनीषा और अभिषेक की लड़ाई हो जाएगी फिर भी अभिषेक ऊपर रहेगा, मनीषा आगे जाएगी, एल्विश अभिषेक की लड़ाई हो जाएगा फिर भी ये दोनों आगे जाएंगे, और इन तीनों की लड़ाई हो जाएगी फिर भी अपने आप में सुपीरियर रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोई किसी का ग्रुप चला रहा है, कोई किसी का घर चला रहा है। मनीषा के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि वो कोई भी चीज पे अपना आवाज उठाना जानती है, वो बोलती है। पूजा भट्ट मैम के अगेंस्ट कौन बोला पूरे घर में, हर एक इंसान एक टाइम पे दब जाता है। सही बात है। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं अभिषेक के लिए भी बोल रहा हूँ, एक टाइम पे अभिषेक भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मे भी रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट मनीषा भी करती है, बट उसका एक तरीका है, वो जवाब देगी, बट वो लोगों को बदतमीजी लगता है इतने बड़े घर में, इतने बड़े शो में जाकर के, अगर वो सामने वाले का सुन के लेती रहेगी और ये सोच करके कि आप बड़ी हैं बड़ी हैं बड़ी हैं, तो फिर ये पे क्या मतलब शो में जाने का, एक उसको घर पे बिठा दो, वहीं से फोन पे वो करवा देना। यही चीज मैंने कल मेरे लाइव में भी क्लियर की थी कि बार बार मनीषा को ना, मतलब मैं जब कल ट्वीट पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार अच्छा खेल रही है, अच्छा खेल रही है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हेट कमेंट दे रहे थे, तो उनको मैंने रिप्लाई यही किया था कि भाई देखो ऐसा है कि आपको मनीषा जो चीज कर रही है वो फेक लग रहा है, लेकिन यही मनीषा जब जाके रात को झगड़ा हुआ सुबह जाके सबसे पहले सॉरी भी बोल रही है और आके दोबारा सॉरी बोल रही है, आपको बड़प्पन नहीं दिख रहा, तो मैं बता ये रहा हूं, तो अगर मनीषा की जगह मैं होता ना, मैं कभी नहीं बोलता सॉरी। मे भी शायद उसने कोई चीज गलत बोल दी, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैंने तो बोल दिया तो भाई अब बोल दिया, अभी एक बार खराब हो गए तो खराब ही रहे जिंदगी भर, कोई चक्कर नहीं। लेकिन क्योंकि वो लड़की बार 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 गलत बोलती, एक बार कोई बोले तो चलो ये सोच के इंसान सॉरी बोल देता कि मेरी एक टाइम पे फ्रेंड थी, हम लोग साथ में अच्छा बॉन्ड शेयर किए हैं, बट वो लड़की बार बार बदतमीजी करती है फिर भी वो जाकर सॉरी बोल रही, कितना बड़प्पन है उसके अंदर। उसके बाद भी लोग उसको टारगेट करते हैं कि नहीं ऐसी है वैसी है, इसके अंदर एटीट्यूड है, घमंड है फॉलोवर्स का, क्या घमंड है उसके अंदर। आप उसको रियल लाइफ में मिलोगे ना, वो लड़की इतनी डाउन टू अर्थ है ना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं कि सामने वाले के 10 फॉलोवर्स हैं। वो जिससे बात करना होता है, वो मेरे से वाया वाया वो इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी फ्रेंडशिप हुई थी 1 साल पहले, मेरे उसके जैसे फॉलोवर्स नहीं है, फिर भी वो मेरे से वैसी ही थी जैसे मैं उससे था। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। और एक चीज ये भी था इस समय, ये जो मुद्दा है बहुत उठ रहा है कि मनीषा जो है वो जिया से जेलस है, ऐसी तरीके की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? उस शो में देख के लोगों को लग रहा होगा कि कौन जेलस हो रहा है, कि जिया हो रही है जेलस की, वो जेलस, उसको क्या जरूरत है जेलस होने का। एक टाइम पे वो स्टार्टिंग से जिया का कोई कोई स्टैंड नहीं था स्टार्टिंग से। जिया एक्चुअल में भी कुछ दिन पहले मनीषा बोली भी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो गिर के खींच तान के ही, बट जिया पहुंच गई यहां तक, तो ये बड़ी बात है कि वो पहुंच गई। तो स्टार्टिंग में जब इनका कोई स्टैंड नहीं था, ये निकलने निकलने पे थी, नॉमिनेट भी हुई थी, ऐसा लग रहा था यही निकल जाएंगी निकल जाएंगी,
लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं कि ये नॉमिनेट नहीं हुई, बच गई, फिर कुछ 2 वीक तो ऐसे चला गया वो बिना इविक्शन के, बस उसमें भी बच भाई गई, तो 2 हफ्ते तो सीधा मिल गया इनको, उसमें भी नॉमिनेट थी, नहीं तो वो होता तो सीधा निकलती। मे भी शायद जो भी है अभी की लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा खेलेगी, एक एक कोई लव एंगल चल जाएगा, लव ट्रायंगल चल जाएगा, तो वो जात का सहारा लेके, अभिषेक का सहारा लेके, जैसे भी करके वो लड़की वहां तक पहुंच गई। पहुंच मनीषा किसी का सहारा लेके नहीं पहुंची है, वो ये स्टार्टिंग डे से अपने दम पे खेल रही है और वो अच्छा खेल रही है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताओ, मनीषा को किसी ने टीवी पे नहीं देखा होगा, जिया को तो देखा है ना, थिएटर में देखा है, जिया बहुत टाइम से काम कर रही है, उसके बाद भी बिग बॉस में आने के बाद सबसे ज्यादा प्यार मनीषा को क्यों मिल रहा है, जिया को क्यों नहीं मनीषा को मिल रहा क्यों है? मिला? आप जाके देखो, इंस्टा लोग कहते हैं इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम क्यों करते हो, अरे इंस्टाग्राम ही सब कुछ है आज की डेट में, बिग बॉस में जाने के बाद इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक यही 3 चीज पर लोग देखते हैं कि लोगों का रिव्यू कैसा आ रहा है। आप जाके देखो जिया का कमेंट पढ़ो, कमेंट कमेंट सेक्शन देखो, आपको पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा कर रहा है और कौन किससे जल रहा है। मुझे किसी भी चीज का आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी जो जो अंदर है ना उन सबका इंस्टाग्राम खोलो और कमेंट सेक्शन देखो, आपको पता लग जाएगा कौन आगे जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। ये बात तो सही है। अभिषा कितना पसंद आ रहा है भाई आपको? अभिषा यानी कि अभिषेक अभिषेक बहुत पसंद आ रहा है, पसंद? अभिषेक वो माइंड ब्लोइंग है। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था उसमें कि एक ही दिल्ली कितनी बार जीतेगा, भाई बहुत अच्छा कर रहा है। मैं जब मेरी जाने से पहले मेरी मनीषा की बात हुई ना, तो मनीषा बहुत ऐसा बोल रही थी कि मैं अच्छा खेलूंगी, मुझे पता है कि मैं इसी चीज के लिए इतने दिन से वेट कर रही थी, बट मुझे विशाल डर, लड़ने से बहुत डर लगता है, मैं रो दूंगी, मैं लड़ नहीं पाऊंगी किसी से, मैं लड़ूंगी, हम लड़ेंगे कैसे, हम तो डर जाएंगे, हम नर्वस हो जाएंगे, वो ऐसे ऐसे बोलती थी। मैं कहा तू डर मत किसी से, तू जैसी है ना, तुझे कुछ भी माइंड सेट करके या कुछ प्रिपेयर होकर जाने की जरूरत नहीं है, ये रियलिटी शो है, तू जिस तरीके की है ना तू ऐसे ही जा, मुझे जीतने का तो नहीं पता बट टॉप 3 में तू है ये डेफिनेटली, और अंदर कुछ भी तू करेगी ना ये मत सोचना कि बाहर इसका क्या रिजल्ट आएगा, बाहर मुझे, मैं तू बाहर का सोच ही मत, जो भी होगा ना बाहर मैं संभालूंगा, तू जा, तू जाके चक दे फट्टे करके आ। और मैं बोल तो दिया था लेकिन मुझे ये लगता था कि वो बंदी अकेले रहेगी अंदर, वो लोगों का ये सब चीजें सहना बहुत बड़ी बात होती है, बट उसको अंदर अभिषेक मिला, वो बहुत हाँ अच्छा लगा हम लोगों को देख करके, वो बंदा उसको हर जगह सपोर्ट करता है, सपोर्ट है यही भाई। चीज बहुत अच्छी लगती है। वो अंदर घर में बहुत सेफ है जब तक अभिषेक है, और अभिषेक तो लास्ट तक ये तो फैक्ट है भाई। और है। ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि कल का एपिसोड देखने के बाद तो ये चीज जग जाहिर हो चुकी है कि एल्विश और अभिषेक और मनीषा को तोड़ने की बहुत ज्यादा साजिश की जा रही है, या एक प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कह लो, ये नजर आ रहा है आप सबको। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या टूट जाएंगे? मुझे तो नहीं, मतलब देख के तो ऐसा लग रहा है नहीं टूटेंगे भाई, क्योंकि जिस नहीं तरीके से नहीं एक ये टूटे सपोर्ट वूटे की बहुत नहीं, बड़ी ऐसा बात। कुछ, ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं है, और ये तोड़ने का अंदर लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बिग बॉस के वो लोग, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं बहुत, मैसेज आ रहा है कि सलमान खान सर को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही, इनका बॉन्ड ये तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब वो सलमान खान है यार, उसको उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है, सही मतलब बात आप है ये भाई। देखो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने कमेंट देगा कि मनीषा के फैंस ले लो या एल्विश के फैंस ले लो, वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही बिग बॉस ऐसा चाहते हैं, ना ही मेकर्स ऐसा चाहते हैं, और ना ही सलमान सर ऐसा चाहते हैं, घर के अंदर जो लोग हैं जो एक गुट बनाया 4 लोग 5 लोग का, सिर्फ वो ऐसा चाहते हैं कि इनकी लड़ाई हो जाए ताकि वो जाकर के उस ग्रुप में बैठ पाए, जिसमें से बेसिकली जो सबसे मेन लड़की है वो है जिया, कि वो जाकर एक ग्रुप में बैठे, और पूजा जी, ताकि वो अभिषेक को इधर बुला ले, एल्विश को इधर बुला ले, वो अभिषेक और एल्विश को प्रॉपर एकदम सपोर्ट कर रही है, और सबसे ज्यादा दिक्कत इनको मनीषा से ही हो रही है, जो सबसे स्टार्टिंग से जिसको सपोर्ट करते आ रही थी उसको एकदम अकेले छोड़ दिया है, सही पर भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये बिग बॉस का नियम है कि जिसको टारगेट किया वही आगे बढ़ा है। आगे बढ़ा। ये बात तो सही है। मैं अगर से पूछने वाला था कि मनीषा रानी के बारे में लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ 2-3 लोग हैं ऐसे जो कि खास करके उनपे इल्जाम भी लगा रहे हैं बहुत सारे, तो अगर वो आपने सुने हैं, मैं जानता हूँ इस चीज को भी कि आप जानते हैं, तो उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो इल्जाम लगाया जा रहे हैं, जो उन पर बोला जा रहा है उनके बारे में। देखिए आज मैं चला जाऊंगा ना बिग बॉस के अंदर, तो मेरे पीछे से 10 लोग आ जाएंगे मेरे बारे में गलत बोलने के लिए। मैंने आपको पहले पहले क्वेश्चन पे बोला था कि मैं ना बाकी के 90 पे ध्यान दूंगा, मैं 10 पे ध्यान नहीं दूंगा, ये लोग आएंगे, इन लोगों को फेमस होना है, ये लोग चाहेंगे कि मैं बोल दूं ताकि नेक्स्ट सीजन में मुझे बुला लें बिग बॉस, ठीक है, कि मनीषा रानी जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट है उसके लिए ऐसा बोला गया, ये लड़की ने ऐसा बोला था तो इसको बुला लो, वो ये सोच के टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो वीडियो ही नहीं देखता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो अगेंस्ट वाले होते हैं ना मैं वो वीडियो ही नहीं देखता हूँ, मैं हटा देता हूँ, तो मुझे चाहिए, जब मैं मेरे लिए नहीं देखता हूँ तो मनीषा मेरी इतनी अच्छी दोस्त है,
मैं उसके अगेंस्ट मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ। और मेरा नेचर है ऐसा कि मेरे साथ अगर मैं आज आपको मानता हूँ दिल से, तो मेरे मेरे आपके पीठ पीछे और मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई बोलेगा ना कि आपके बारे में गलत, तो मैं मेरे से मुंह से निकलता है और फिर मैं रिप्लाई देता हूँ। मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करता, मैं भैया को प्यार करता हूँ, पर भैया के अगेंस्ट कोई ज्यादा हद से जाके जब कोई बोलता है ना, तो मैं वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, वो लोगों को जल जाती है। तो ये मेरी मेरी खासियत है कि मैं जिसको मानता हूँ मैं उसके बारे में गलत नहीं सुन सकता हूँ, ना ही उसके सामने ना ही उसके पीठ पीछे। आप मेरे पीछे भी बोलो, आप बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलते जाओ। पीठ पीछे तो लोग बोलते हैं, सलमान खान सर इतने बड़े लेवल पे हैं, उनके क्या उनके बारे में लोग बोलते नहीं है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी बात सुनने के बाद तो पता है कि मेरे को यही लाइन मेरे दिमाग में चल रही है कि वो जो लोग मेरे पीछे बात करते थे वो मेरे पीछे ही है अभी भी, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग एग्जैक्टली में आ गया। जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं वो जिंदगी भर पीछे रहते हैं, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, वो आपको पीछे से देख रहे हैं कि अच्छा ये कर रहा है, अच्छा वो कर रहा है, हाँ अच्छा मनीषा रानी ये कर रही है, मनीषा रानी ऐसा कर दी, चलो आज वीडियो बनाते हैं मनीषा रानी पे, तो वो यही चलता रहेगा। इसमें बड़प्पन मनीषा रानी का है कि मनीषा रानी बाहर आकर के भी उसका रिप्लाई ना दे, ये बात एकदम सही है इग्नोर कर दे। भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे को तो बहुत आपसे मजा भी, आया, मैंने आपका बहुत नाम नहीं बहुत। पूछा, क्या कह रहे भाई? आपका नाम गणेश कांदू। गणेश कांदू। थैंक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। यू सो मच, थैंक मुझे यू भी यार, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भाई बात करके। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात हो लाइफ पे या पक्का कॉन्सर्ट। पक्का, जीतने के बाद मनीषा रानी जीत के बाहर निकलेगी तो फिर हम एक और इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई, बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको, आपको भी थैंक धन्यवाद। यू सो मच।